सारण जिला अंतर्गत सोनपुर प्रखंड बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला क्रियान्वयन समिति के सदस्य सह इलाके के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति शंभु शरण सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे वर्तमान सरकार केंद्र और राज्य दोनों के खामी सह उपलब्धि सह सोनपुर मेला क्रियान्वयन निष्फलता के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि केंद्र सरकार की उपलब्धि के बारे में विपक्ष जो हल्ला कर रही है कि विफलता है पूर्णतः, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहता हूं कि जब से भी कांग्रेस की सरकार रही तो हमारे अनुसार आज़ादी के बाद जितना सरकार रही 1997 तक एक एम्स था कांग्रेस की, और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने 6 एम्स दिया। 6 एम्स में आपको एक बिहार में भी दिया, और उपलब्धि आप समझ रहे हैं कि उपलब्धि। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, 4 के बाद 10 साल सरकार रही यूपीए का, उसमें एक भी स्वास्थ्य के विषय में काम नहीं हुआ। जो माने पहले जो भाजपा की सरकार रही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो दे दिए उन्हीं का कार्यकलाप पर चलते रहा, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार 14 से स्टार्ट हुई तो इन्होंने 15 को एम्स दिया, 15 में 10 को एम्स स्टार्ट हो गया है चालू, और 4-5 माने कंस्ट्रक्शन में है, जिसमें आपको दरभंगा एगो एम्स कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो बिहार में 2 एम्स दिए, कांग्रेस अभी तक ले बिहार को उपेक्षा करती रही है स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो एक नहीं और बड़ा बड़ा माने स्टेट में न देकर बिहार को उन्होंने बड़ा मान और सम्मान दिया, 2 एम्स दिया। इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और इन्होंने बिहार के प्रति बड़ी श्रद्धा स्नेह से इन्होंने देखते हैं और देखते रहेंगे। नीतीश जी आपके साथ मुख्यमंत्री रहे के पहले से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जी जी, आप 15 साल समथिंग उनके साथ सत्ता में रहे। जी जी, 2014 के बाद आपकी सरकार है, तब पर भी बिहार में आप सरकार में रहे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका, ये क्या है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ मिलता है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, बहुत आबादी कम है, बहुत गरीबी कुचले लोग हैं, यहाँ हम जो है उसका सब मापदंड होता है विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा एनडीए सरकार ने यह पैकेज दिया। पहले हमारा मालूम था हमके अनुसार कि 34,000-34,000 करोड़ के पैकेज दिया था, आया जब सरकार आती, जब एनडीए की सरकार हुई तो बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने 2,000,000 करोड़ तक ले पैकेज दिया, जो पैसा बिहार सरकार का काम नहीं होता था, रिटर्न भी हो जाता है। इसे कैसे कहिएगा कि अब ये नीतीश जी आरजेडी में चले गए हैं तो इन्होंने आलाप रहे हैं, पहले बहुत अच्छा लगता था इनको, नरेंद्र मोदी भी गुणगान गाते थे, जो पैसा है वो रिटर्न हो रहा है, और अभी कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास को गली गली और हर गली मोहल्ले में रोड बन गया है। अभी से तो कुछ दिन पहले तक आप नीतीश जी के ही साथ थे। जी जी, यानी बीजेपी बीजेपी और जदयू की सरकार थी। जी जी, हर एक फैसला तो बीजेपी के सहमति से ही सरकार लेती होगी, लेकिन एक फैसला जो साथ में है, शराबबंदी, शराबबंदी के विफलता या सफलता पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार में दारू बंद हो गया, दारू 2016 में बंद मैंने बंद होने का घोषणा किए हैं, लेकिन हम इसको मैंने असफल कहेंगे, सफल नहीं है, और प्रशासन इसमें खूब लूट घोर मचाया है। जो आज के डेट में सिपाही या दरोगा जो साधारण पेज पर बताइए कि ये प्रशासन, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, ठीक है,
लेकिन जाके देखिए कि हर थाना प्रभारी के डेरा में भी शराब की मैंने पकड़ाया है आपको कार्टून 400 पेला मालोमाल हो गया है, प्रशासन मालोमाल है, जनता कंगाल है। इसलिए हम इसके विषय में शराबबंदी सफल नहीं है। आपके सरकार साथ से जब नीतीश जी हटे तो जिला बिहार के हर एक जिला प्रखंड में धरना दिया गया, नीतीश जी अन्याय किए। जी जी ठीक ठीक था, लेकिन शराबबंदी प्रशासनिक विफलता, नल जल योजना जो चल रहा है उसका असफलता के बारे में कभी बीजेपी क्रियान्वयन समिति या स्वयं आप कभी इसके विफलता के बारे में कभी मुखर होके बोले नहीं? भाजपा बोली है मुखर हो, मैंने भाजपा बोली है जो मैंने कि भाई शराबबंदी सफल नहीं है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार बोल चुके हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है। इस पर थोड़ा जब एनडीए की सरकार में नीतीश जी थे तो उसमें बोले कि इस पर लगाम लगाइए, लेकिन नीतीश जी प्रशासन को पूरा माने छूट दे रखे। बोले हैं, भाजपा बोली है, भाजपा जगह जगह पर अपना आरोप लगाया है कि भाई यहाँ गलत हो रहा, जल नल योजना के विषय में भी जल नल योजना भी आपको फेल है, सही सलामत नहीं है, कहीं गांव में जाइए पैसा का लूट बंदर हुआ है, लूट पटार हुआ है। आज के डेट में जाइए कहीं गांव में टंकी नहीं है, टंकी टूट गया रहा है, चापाकल माने है तो चल रहा है। इसमें हम माने बीजेपी नल जल योजना या शराबी में मुखर होकर बोली है। अभी जब मेला होके आ रहे हैं जी, तो बहुत सारे कुव्यवस्था को देखा जी, जी। प्रशासनिक जो व्यवस्था चाहिए था वो सही से ढंग नहीं है, साफ सफाई नहीं है, जाम का समस्या है जी, लाइटिंग की समस्या है, रास्ता क्लियर कहीं पे नहीं है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना? देखिए सर, आप तो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया वाले लोग हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। एक बार हम बोलेंगे जब हाजीपुर से आप आइएगा तो बिजली के जो माने व्यवस्था है वो देखिएगा, वो ऊपर वाला जो वेपर लाइट है आधा पुल में बढ़ रही है, आधा में नहीं, इधर सोनपुर से लेके आधापुर में बढ़ रही है, लेकिन हाजीपुर से आइए तो लाइट व्यवस्था अच्छा नहीं है और साफ सफाई भी अच्छी नहीं है, जहीं तहीं कूड़ा महान है, कुछ पुल में है, प्रशासन को भी देख रहे हैं कि इधर दो को पुलिस हैं, जब जाम लगती है तो जाम छुड़ाने के लिए, और माने यहाँ माने जाम लगती है तो इधर जाम के लिए तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि जब जाम लगती है तो बंद कर दिया जा रहा है पुल को, और साफ सफाई आपको अभी माने व्यवस्था जो मेला में चाहिए वो नहीं है। 2 साल के बाद मेला लगला है, या नीतीश जी बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेला के उद्घाटन मैं करूंगा, पूरा प्रचार हो गया। हम लोग भी जनता सोनपुर वासी के लोग बहुत बड़ा खुशी थे कि मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ देंगे मेला के विषय में, कुछ अच्छा अच्छा फंड देंगे, अच्छा व्यवस्था के, लेकिन इन्होंने क्या बाबा इनको के क्या दिमाग में आया, ये अपने मुंह से बोले कि हम आके हम उद्घाटन करें, टाइम भी दे दिए, लेकिन 5-6 दिन के अंदर फिर कहें कि उप मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इनका कहने या कथनी या करनी में बहुत अंतर है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, जब भगवान की नगरी में ये सब बात बोल रहे हैं तो आगे क्या करेंगे इसे भगवान जाने।